नमस्कार, मैं हूँ रीना यादव। आप देख रहे हैं NBTV। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक दर्शन सिंह चौधरी मंगलवार के दिन होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील पहुँचे, जहाँ उन्होंने किसान क्रांति यात्रा को लेकर किसानों के साथ बैठक का आयोजन कर चर्चा की। ये बैठक चापड़ा ग्रहण भेसादे कुसुमकुई में संपन्न हुई। वहीं बैठक में 4 और 5 मार्च को क्रांति यात्रा की कार्य योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक दर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि किसान क्रांति यात्रा की शुरुआत बांद्रा भान से की जाएगी, जहां सारे किसान एकत्रित होंगे। पहले किसान संगोष्ठी का आयोजन होगा, उसके बाद वहीं से किसान क्रांति यात्रा का शुभारम्भ किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए माफ करने की बात वचन पत्र में कही थी। सरकार पिछला बोनस खा गई, अब अगला गेहूं बिकने को खड़ा है। उससे भी बड़ी समस्या बिजली बिल की है। किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। अधिक से अधिक बिल देकर लोक अदालत बुलाई जाती है। ये लोक अदालत नहीं, लूट अदालत बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसान इतनी दिक्कत में आ चुका है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, परंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से सरकार सोचने को मजबूर होगी और हमारी समस्याओं का निदान करना उसको आवश्यक लगेगा। यात्रा में किसान स्वप्रेरणा से आ रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक दर्शन सिंह चौधरी, डोलरिया तहसील अध्यक्ष सुधीर गौर, जिला मंत्री देवकी नंदन गौर, सिवनी मालवा ब्लॉक मंत्री कपिल पटेल, जगदीश लोबंसी, प्रदीप गौर, संतोष रघुवंशी सहित ग्राम इकाई के पदाधिकारी व किसान मजदूर साथी उपस्थित थे। ये जो किसान क्रांति यात्रा निकल रही है, किस तरीके की यात्रा है, किन मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है? किसान क्रांति यात्रा आगामी 4 एवं 5 मार्च को प्रारंभ, 4 तारीख को हम बांद्रा भान पहुँचेंगे। अलग अलग दिशाओं से बनखेड़ी, पिपरिया, सुहागपुर, बावई और इधर से सिवनी मालवा, डोलरिया, होशंगाबाद, केसला और इटारसी के लोग मिलकर हम सब बांद्रा भान पहुँचने वाले। 4 बजे वहाँ पर पहुँचकर हम एक किसान गोष्ठी का वहाँ आयोजन कर रहे हैं, जिसमें समस्त वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों को बुलवाकर उनके बारे में, किसान के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये क्रांति यात्रा वहीं से होशंगाबाद की ओर प्रस्थान करेगी 5 तारीख में और होशंगाबाद पहुंचेगी। और इसका मूल उद्देश्य, मूल समस्याएं जो केंद्र और राज्य की समस्या है, विशेषकर जैसे अभी किसान को 2 लाख रुपए कर्जे की माफ़ी की बात कही है, अन्य जिलों में 1-1 लाख रुपए माफ तक हो गए हैं, उनसे भी हम सहमत नहीं हैं। हम कह रहे हैं बिना ब्याज के जो ब्याज लगाया जा रहा है उस पर भी, और 2 लाख जो आपने वचन पत्र में कहा जैसा कि तैसा आपको लागू करना है। बोनस की बात आ रही है, पिछला बोनस खा गए, अगला गेहूं बिकने की कगार पे खड़ा है, आगे गेहूं बिकने का संकट खड़ा है, पूरे किसान बैंकों में डिफाल्टर हो गए इनके वचन के चक्कर में। और फिर उससे बड़ी समस्या जो बिजली की हमको दिखाई दे रही, 3 की मोटर, 5 की, 5 की, 7 की, 7 की, 10 की, अनावश्यक लोक अदालतों के माध्यम से किसानों को लोक अदालत नहीं लूट अदालत बना के और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहर और अन्य समस्याएं, जिसमें हम एक जेन्युइन समस्या ये रख रहे हैं कि छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर, चूंकि हम तो नर्मदा माटी के क्षेत्र के हैं लेकिन जो सहायक नदियां हैं पूरी तरह सूख गई हैं, तो छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर और इस खेती को बचाने का काम किया जाए। और इन सब में भी सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई दे रही है कि किसान इतनी दिक्कत में आ चुका है कि वो आत्महत्या करने को, हमारे जैसे संपन्न जिलों में भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इसका अर्थ सरकार को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और किसान क्रांति यात्रा जो हमारी नरसिंहपुर में सफल हुई है, हमारी बरेली में सफल हुई है, इस समय अब हम इसको होशंगाबाद, जो हमारी मसाल आई है, हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम जम के इस काम में लगे हैं। और हमको ये लग रहा है इसी यात्रा के माध्यम से सरकार सोचने को भी मजबूर होगी और हमारी समस्याओं को निदान करने के लिए भी उसको आवश्यक लगेगा ही, क्योंकि अब किसान स्वयं स्वप्रेरणा से आ रहा है, अपने ट्रैक्टर ट्राली से, अपने वाहन से, अपने साधनों से, अपने रोटी कंडा लकड़ी लेकर वो स्वयं पहुँच रहा है और इस यात्रा को सफल बना रहा है। हमारा जनसंपर्क, हम गांव-गांव जाते हैं, हमारी ग्राम समितियां बनी हुई हैं
और अधिकतम हम हर विकास खंड में अपनी ग्राम समिति के माध्यम से किसानों को एकत्रित करते हुए किसानों को बात समझ में भी आ रही, और अब तो हम 10 की कल्पना करते हैं तो सैकड़ों हमारे पास इकट्ठे होते हैं। इसका नमूना आप गांव चल के देख सकते हैं कहीं भी, और रोज़ भारी संख्या में हमारे संवैधानिक कार्यकर्ता लग गए हैं और पूरी ताकत के साथ हमारा किसान समाज अब स्वस्फूर्त खड़ा हो रहा है, और उसको समझ में आ गया किसान का राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अलावा या संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए किसान अब पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा है। राजनीतिक तौर पे क्या कारण है किसान अभी तक एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है? हाँ, किसान को बड़ा मुद्दा नहीं बनने के पीछे सरकारी जो तंत्र है, एक तो तंत्र और दूसरा सरकारें हैं, वो सब एक जुट हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं और किसान को मुद्दा नहीं बनने देती। आज देश में जितनी देश के अंदर आतंकवाद से घटना नहीं हुई, युद्धों से घटना नहीं हुई, बीमारियों से लोग नहीं मरे, उससे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर चुके, लेकिन इसको नई मुद्दा बनने का कारण है कि सरकारों की सोची समझी रणनीति है, वो थोड़ा सा मलहम लगा के या मुद्दे को भटका के और दिशा भटका देते हैं, ये उनकी सोची समझी रणनीति, लेकिन अब हम उनको सफल नहीं होने देंगे। और हम ये कह रहे हैं कि जब आप सातवां वेतनमान कर्मचारियों को दे सकते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, उनका अधिकार है, लेकिन हमारे किसान को भी उस एवज में जो दाम अभी विगत 30 सालों में अन्य चीज़ों के बढ़े हैं, जो सैलरी बढ़ी है, जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है या जो अन्य जींसों के दाम बने हैं, इन सब को लेकर हमारे किसानों को उत्पादन के दाम बहुत कम बढ़े हैं, इसलिए उस उत्पादन की तुलना में हमारे उत्पादन के दाम बढ़ा दिए जाएं, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक और बात, हमारी जो मूल है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा, हमारी ये मुफ्त की जो बातें करते किसान को, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये सब ये केवल प्रोपागंडा है, इस प्रकार का कुछ नहीं है। यदि शहर के विकास की बात आती है तो उसके जो उसमें भी पुल का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में सम्मिलित नहीं किए जाते, और किसान के हर उत्पाद को इंफ्रास्ट्रक्चर में सम्मिलित करके और उसको केवल आंकड़ों की बाजीगरी सरकारें करती हैं, किसान दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबा जा रहा है और दिन प्रतिदिन उसकी बदतर हालत होती जा रही है। किसानों की एक प्रमुख मांग रही है कि फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्या प्लान रहे है, ऐसा कौन सा सिस्टम बने जिससे किसान को उचित दाम मिल सके? इसके लिए जो मूल्य नियामक आयोग और साथ में अन्य चीज़ों पर तो सरकार करना ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का मूल्य निर्धारण करने की इनकी विधि है वो बिल्कुल गलत है। इनको मूल्य निर्धारण की जो पद्धति है, एक तो उसमें मूल तक किसानों को जोड़ना चाहिए, किसानों की जो एक एक चीज़ के आने, जब से बौनी से लेकर खेत तैयार करने से लेकर बौनी से लेकर कटाई तक और बिकने तक जो टोटल खर्चा आता है, जैसे गेहूं का हमने वैज्ञानिकों को बैठा कर 3 दिन तक जो विचार विमर्श किया, उसके बाद निकल के आया कि 1 कुंटल गेहूं का लागत मूल्य 6000 के आसपास बैठता है, उसको आप यदि 2000 में भी बेचेंगे, 1840 1925 में बेचेंगे, तो उससे किसान को फायदा नहीं होने वाला। ये निकालने का सिस्टम सुधारना पड़ेगा जिसमें प्रत्यक्ष भागीदारी की किसान की होनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं, और इसमें जैसे कमलनाथ जी ने जो जो भी कहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, जो आपके वचन पत्र में आपने हमको वचन दिए हैं आप उनको कर दो, आपकी मेहरबानी होगी। और यदि अभी तो हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं, अब हम क्रांति यात्रा के माध्यम से आगे पूरी ताकत से इस काम को हम परिणाम पर लाएंगे, और नहीं लाएंगे तो हम ये दावा करते हैं कि जिस प्रकार से हमने राज्य सरकार को 2 लाख की कर्जा माफी के नाम से बनाने का काम किया है, तो केंद्र में जैसे ही उन्होंने बेईमानी करी, हमको नहीं दिया, तो एक सीट पर हमने पूरे किसान समाज ने मिलकर और सब ने मिलकर एक सीट पर मध्य प्रदेश में समेट दिया है, और आगे यदि कमलनाथ जी ने गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो उनकी सरकार भी गिरने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे।